दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डिजर्ट बीकानेर से। आज हम एक नई ट्रेन की बात करेंगे, ये है संपर्क क्रांति ट्रेन। संपर्क क्रांति बीकानेर से मंगलवार और शनिवार को, यानी कि दोनों वार हनुमान जी वाले वार है, दोनों दिन ही चलती है, बाई वीकली ट्रेन है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो बेसिक फंडा था वह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को आप किसी एक शहर से त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली ट्रेन कहलाती है। भारतीय रेलवे द्वारा जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं वो ज़्यादातर पूरी तरह वातानुकूलित हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। औसत यात्रा गति के मामले में राजधानी और शताब्दी की श्रृंखला में भारत में सबसे तेज ट्रेन जो तीसरे नंबर पर आती है वह है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। संपर्क क्रांति ट्रेन राजधानी और शताब्दी श्रृंखला की तुलना में धीमी औसत गति से चलती हैं। और भी अन्य जो गैर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों और गैर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में उनके स्टॉप अपेक्षाकृत काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि बीकानेर से लेकर दिल्ली तक केवल 8 स्टॉपेज ही हैं। और इसके कम स्टॉपेज और अधिक गति के कारण सामान्य कीमतें वही रखते हुए उच्च गति का ये विकल्प प्रदान करती है। अपने आप राज्यों को छोड़ने के बाद ये बिना रुके दौड़े त्वरित गति से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाती है। सन 2004-2005 के अंतरिम रेल बजट में, जबकि उस समय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के शुभारंभ की घोषणा की थी। संपर्क क्रांति रेल भारतीय राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है। संपर्क क्रांति रेल भारतीय रेलवे नेटवर्क पर नियमित सुपरफास्ट ट्रेनों के समान किराया लेती है और नियमित ट्रेनों की से ज़्यादा तेज चलकर कम स्टॉपेज के कारण विशेष सुविधा देते हुए जल्दी पहुँचाने की श्रृंखला की एक नॉन स्टॉप चलने वाली ट्रेन के रूप में इसका वो लॉन्च किया गया। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा से समझौता किए बिना यात्रा के समय को कम करना है। शुरुआत में संपर्क क्रांति 18 ट्रेन चलाई गई थी और बाद में इनकी गिनती बढ़ा दी गई थी। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से यशवंतपुर के लिए कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी, जिसे 8 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। और उसी क्रम के अंतर्गत ये बीकानेर से और जोधपुर से दो संपर्क ट्रेनें एक साथ चलती हैं, जो बाद में आपस में मेड़ता रोड में एमलगमेशन हो जाती थी और उसके बाद ये एक ही नंबर से चला करती थी। ये गाड़ी है 22464 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला या बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इस ट्रेन की अगर बात करें तो इनॉग्रल रन इसका मार्च 22, 2005 को हुआ था। 2004 में लॉन्च हुई थी और 2005 में बीकानेर से ये ट्रेन चली थी। इसका डिपार्चर बीकानेर से मंगलवार और शनिवार को शाम को 6:05 में चलती है और 8 स्टॉपेज लेके कुल 684 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके 11:45 में नई दिल्ली सुबह सुबह पहुंचा देती है। 5:50 में दिल्ली पहुंचा देती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे संडे और वेनेसडे। और इसी प्रकार बीकानेर से 6:05 में केवल मंगल और शनिवार को चलती है। ये संपर्क क्रांति है। आज इस ट्रेन की विशेषता जो है वह इसके अंदर WDM3A इंजन है। WDM3A ये एल्को का सबसे पहले वाले मॉडल हैं और इसके अंदर भी ये TKD की लिवरी का बहुत ही खूबसूरत लिवरी के अंदर ये लोको आया हुआ है। और इस लोको के अंदर 3100 हॉर्स पावर का ये लोको है। इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन है और
जो कम से कम इसके अंदर 20 डब्बे, जिसको हम ये हॉल करके बड़ी तीव्रता के साथ लेके जाए। तो आज इस गाड़ी का शानदार सा डिपार्चर देखिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।